हमारे पिछले वीडियो उधार लो पर घी जरूर खाओ, इस वीडियो में हमने आपको घी के बहुत सारे फायदे बताए थे और बताया था कि दुनिया में एक ही चीज है जिसे उधार लेकर भी खाना चाहिए। तो उस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों ने हमसे सवाल पूछा था, ठीक है भाई घी खाना तो चाहिए पर कब और कैसे और घी खाने का सबसे सही तरीका क्या है वो भी तो बतला दो जिससे कि घी का हमें पूरा फायदा मिल सके। तो आज हम आपके लिए यह नया वीडियो लाए हैं जिसमें हम बात करेंगे घी को खाने के सबसे सही तरीके के बारे में और इसे कब किस तरह प्रयोग करना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, जहां हम बात करते हैं सिर्फ शुद्ध आयुर्वेद की। और आज हम बात कर रहे हैं घी को खाने के सबसे सही तरीके के बारे में। आयुर्वेद में अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग तरीके से घी खाने के लिए कहा गया है। तो चलिए जानते हैं घी खाने के वो पांच अलग तरीके कौन से हैं। सबसे पहला, अगर आपको नाभि के नीचे की बीमारियां हैं, जो आपका अम्बेलिकल है, नाभि है, उसके नीचे की जो कोई भी बीमारियां हैं, चाहे वो पाइल्स हो, फिस्टूला हो, भगंदर हो, लेडीज की मासिक धर्म की समस्या हो, पुरुषों की शुक्राणुओं की, या जितने भी सेक्सुअल डिसऑर्डर है, या फिर और नीचे की तरफ घुटने की तकलीफ, एडी की तकलीफ, वेरिकोज वेन, ऐसी सभी बीमारियों में आयुर्वेद कहता है कि आपको जो घी खाना है तो खाना खाने के पहले खाइए। जी हाँ, इस तरह की बीमारियों में जिसमें कि यूरिन, लैट्रिन, इस तरह के जो वेग हैं, अपान वायु के जो रोग हैं, अपान वायु अर्थात हमारे शरीर में पांच तरह की हवा होती है, उसमें से जो हवा नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि यूरिन, लैट्रिन, मल, गर्भ, महिलाओं का मासिक धर्म, उन सबको नीचे की तरफ से निकालती है, उसे अपान वायु का काम कहते हैं। तो नाभि के नीचे के रोग हैं तब आपको घी खाना खाने के पहले खाना चाहिए, अर्थात एक से दो चम्मच घी को आप पी लीजिए गर्म पानी से और फिर तुरंत बैठकर खाना खाइए। अब आते हैं दूसरी टेक्निक के ऊपर। अगर आपको नाभि के आसपास की बीमारियां हैं, ऐसी बीमारियां जिसमें पेट खराब हो जाता है, खाना खाने के तुरंत बाद लैट्रिन दौड़ना पड़ता है, कभी पेट साफ हो जाता है तो कभी कब्ज हो जाती है, या फिर जो किडनी के रोग हैं, लीवर के रोग हैं, किडनी की बीमारियों में जैसे कि नेक्रोसिस है या पथरी हो गई है, या फिर किडनी का साइज छोटा होने लग गया है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है, ऐसे ही जब लीवर में गर्मी बढ़ जाती है, या पैंक्रियास के जो रोग हैं, इस तरह की बीमारियों में जो कि नाभि के आसपास होते हैं, उन बीमारियों में घी खाना खाते समय बीच में खाना चाहिए। खाना खाते समय बीच में अर्थात समझो कि आप दो रोटी खा रहे हो, तो उसमें से एक रोटी आपने खा ली, फिर एक से दो चम्मच आप घी खा लो और फिर ऊपर से जो बची हुई एक रोटी है वो खा लो। इसे खाना खाने के बीच में दवा खाना कहा जाता है। तो आयुर्वेद में जो समान वायु की बीमारियां होती हैं, अर्थात नाभि के आसपास के जितने भी रोग हैं, उसमें घी खाने का सबसे बेस्ट जो टाइम है वो है खाना खाते समय बीच में। आते हैं तीसरे तरीके पे, जो सर्कुलेटरी बीमारियां हैं, अर्थात ऐसी बीमारियां जो कि पूरे शरीर में होती हैं, उन बीमारियों में खाना खाने के बाद दोपहर में या सुबह में खाना खाने के बाद घी खाने के लिए आयुर्वेद में कहा गया है। जैसे कि जितनी भी ब्लड खून संबंधी बीमारियां हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, हृदय के ऐसे रोग जिसमें कि वॉल ढीली हो जाती है, हार्ट का पंपिंग कम हो जाता है, या फिर कार्डियोमेगाली, हार्ट का साइज बड़ा होने लग जाता है, उन सभी बीमारियों में, या फिर जो सर्कुलेटरी बीमारियां हैं जो पूरे शरीर में होती है, उन सभी बीमारियों में सुबह या दोपहर के खाना खाने के बाद आयुर्वेद कहता है कि घी खाना चाहिए। एक से दो चम्मच घी खा के उसके बाद से ऊपर गर्म पानी पीना चाहिए। चौथी टेक्निक है खाने के साथ साथ में घी खाना, या खाने के अंदर दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इन सब के अंदर घी मिलाकर खाना। यह तब ज़्यादा फायदेमंद है जब लोगों को श्वास की बीमारी होती है, या आयुर्वेद के शब्दों में कहें जब प्राणवायु के रोग होते हैं, जैसे कि दमा या अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, जब आदमी को सूखी खांसी आती है और खांस खांस के हालत खराब हो जाती है,
दवा खाने के बाद भी आराम नहीं मिलता, तो ऐसी सूखी खांसी में 2 चम्मच घी लेके उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक डालना चाहिए और हल्का गुनगुना करके उस घी को पीना चाहिए, या फिर खाना खाते समय खाने में मिलाकर घी देना चाहिए। तो जितने भी लंग्स के डिसऑर्डर हैं, फेफड़े के डिसऑर्डर हैं, उसमें यह बहुत अच्छा काम करता है और लंग्स को मजबूत बनाता है। तो गला सूख गया हो या लंग्स के अंदर सूखापन आ गया हो, सूखी खांसी से परेशान है, तो खाने में या फिर भोजन में घी को मिलाकर खाना चाहिए। और 5वीं और आखिरी टेक्निक है, खाना खाने के बाद 1 से 2 चम्मच घी खाना रात को सोते समय। इसे कहते हैं उदान वायु या उदान काल के रोगों में दिया गया घी। उदान अर्थात आपके गले के ऊपर के जो भी रोग हैं, जैसे कि ENT डिसऑर्डर, जैसे कान है, कान के रोगों में रोज रात को सोते समय 2 चम्मच घी गर्म पानी से पीकर सोना चाहिए। क्यों? सामान्य कर्ण रोगेशु घृतपान रसायनम, कान के लिए घी एक टॉनिक है, रसायन है। ऐसे ही आँख की बीमारी में रात को सोते समय 1 से 2 चम्मच घी पीकर सोना चाहिए। आयुर्वेद में तो रात के समय त्रिफला को घी और शहद में मिलाकर विषम मात्रा में खाने के लिए कहा है, जिससे कि आँखों के सभी रोग ठीक होते हैं। तो रात को सोते समय अगर आँखों की समस्या है तब घी खाओ, या फिर जिनको नाक की बीमारियां हैं, दिमाग तनाव चिंता बेचैनी स्ट्रेस गुस्सा हार्मोनल इम्बैलेंस, दिमाग की आप कुछ भी चीज़ों को बोल दीजिए, जिन्हें डर बहुत लगता है या बेचैनी बहुत होती है, ऐसे सभी लोगों को जो मानसिक काम करते हैं उन्हें रात को सोते समय 2 चम्मच घी या 1 चम्मच घी गर्म पानी में डालकर या उबालकर पीना चाहिए। इससे ENT से संबंधित सभी रोग ठीक होंगे। तो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग समय पर घी खाना चाहिए। एक और बात, घी खाने के बाद हमेशा केवल गर्म पानी का ही यूज करना है। अगर आपने घी की वस्तुओं का प्रयोग करके सादा या ठंडा पानी लिया, वो पानी विष या फिर जहर बन जाएगा। आयुर्वेद में हर एक बीमारी के लिए अलग अलग तरह का घी कहा गया है। हर बीमारी में विशेष औषधियां डाल के अलग से घी बनाते हैं और उसका यूज करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस दुनिया में उन रेयर चीजों में से घी ही एक ऐसी चीज है जो अपना गुण नहीं छोड़ती। अर्थात घी दूसरों की तो क्वालिटी बढ़ा देता है, दूसरी औषधियों की ताकत बढ़ा देता है, पर अपनी खुद की क्वालिटी कभी नहीं छोड़ता। इसलिए आप अपने नज़दीकी किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से जाकर मिलिए, उससे अपनी बीमारी का नाम बताइए और वो जांच करके आपको बता देगा कि आपके लिए कौन सी औषधि डालकर बनाया गया घी बेस्ट है। उस घी को आप खाइए और आपकी बीमारियां तो ठीक होगी ही, साथ ही साथ चेहरे पर ग्लो, अच्छी आवाज़, बॉडी की पावर या फिर मेमोरी पावर, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। तो आपको घी खाना है, ये 5 अलग अलग टाइम पर खाइए, गर्म पानी के साथ में खाइए। एक दिन में 2 से लेकर 4 चम्मच तक घी खाया जा सकता है। अगर आप ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं तो ज़्यादा घी खा सकते हैं, कम शारीरिक श्रम करते हैं, AC में या ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, तो 2 या 3 चम्मच घी ही आपके लिए काफ़ी है, उसके बाद गर्म पानी पीना। यह जानकारी या घी खाने का यह तरीका आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर कीजिए और YouTube पर हमारा चैनल ओज आयुर्वेद, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नया वीडियो आते ही आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा और वह वीडियो देख के आप आयुर्वेद की जो सही सही जानकारियां हैं उसे जान सकेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।